बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि उत्तराखंड से ही है, जहां दो नए शहर बसाने की कवायद अब तेज हो गई है। विशेषज्ञ जल्द उत्तराखंड का दौरा करेंगे। दो नए शहर बसाने के लिए केंद्रीय विशेषज्ञ तैनात होंगे। शहरी एवं आवासन मंत्रालय ने सूचना जारी कर दी। इसे लेकर और नई टाउनशिप का विशेषज्ञ निरीक्षण भी करेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, दो नए शहर बसाने के लिए अब जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से शुरू है। आपको याद होगा अमृता, हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और एक प्रस्ताव प्रधानमंत्री के सम्मुख रखा था कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर सरकार जो है नई टाउनशिप स्थापित करने वाली है और इसके लिए सरकार को केंद्र की परमिशन की भी जरूरत होगी, केंद्र के आर्थिक सहयोग की भी जरूरत होगी। लिहाजा मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया था प्रधानमंत्री से कि आने वाले समय में, चाहे वो कुमाऊं क्षेत्र हो, उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र हो, अगर हम गढ़वाल क्षेत्र की बात करें, राजधानी देहरादून का जो डोईवाला इलाका है, डोईवाले में जो है वो टाउनशिप बसाने की बात की जा रही है, और अगर हम कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं का जो किच्छा क्षेत्र है वहां पर जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी स्थापित करने की बात कही जा रही है। और ये जो है इसके लिए केंद्र के जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी सौंप दी गई है, तो वो अब उत्तराखंड का रुख करेंगे और यहाँ की ग्राउंड जीरो की हकीकत की रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसके बाद फिर केंद्र के जो विभाग के सीनियर अधिकारी उनके सम्मुख इस रिपोर्ट पर रखा जाएगा और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में जो है जो टाउनशिप है, जो नए शहरों का बनाने करने की जो कवायद है, ये धरातल पर उतरती नजर आएगी। अब ये देखना होगा कि जो उत्तराखंड के संबंधित विभाग हैं और जो केंद्र के विभाग हैं वो आखिर कैसे और कितने समय में इस परियोजना को धरातल पर उतार पाएंगे। बिल्कुल सुनो, देखने वाली बात होगी कि आखिर इस परियोजना को किस तरह से धरातल पर उतारा जाएगा, क्योंकि अगर एक तरफ देखा जाए तो भारी बारिश के चलते उत्तराखंड के कई हिस्सों में तबाही मची है, दूसरी तरफ अब नए शहर बसाने की भी कवायद कहीं ना कहीं तेज करती गई, बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। चूंकि उत्तराखंड की जिस तरह की विषम भौगोलिक परिस्थिति है, जब बारिश का समय होता है, बरसात के सीजन में, मानसून सीजन में, सरकार के लिए तमाम चुनौती बढ़ जाती है। 2013 में उत्तराखंड के तमाम लोगों ने आपदा का दंश झेला है, लिहाजा सरकार ने उसके बाद कई नए फैसले भी लिए हैं, कई जो है वो प्रयास भी किए हैं और SDRF का गठन किया गया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार संयुक्त रूप से जो है आपदा जैसे हालात से निपटने के लिए हमेशा तत्पर और अलर्ट रहती है। आपको याद होगा अमृता, भी हाल ही में जब लगातार बारिश से तमाम जो खबरें सामने आई बारिश की और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत कर अपडेट लिए थे कि क्या मौजूदा हालात उत्तराखंड के हैं। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, कुछ दिन पहले ही प्रदेश में काशीपुर डोईवाला से निकट दो शहर बसाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रारंभिक तौर पर हरी झंडी दिखाई थी। आवास विभाग ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में सर्व सुविधा संपन्न शहर का प्रस्तुतीकरण दे दिया था, जिस पर सहमति जताते हुए दोनों स्थानों का निरीक्षण करने के लिए जल्द ही जो टीम की बात कही गई थी, अब वो टीम यहाँ पहुंचेगी, उत्तराखंड में निरीक्षण करेगी और जल्द ही दो नए शहर बनाने की जो कवायद है वो जोरों शोरों से शुरू कर दी जाएगी।